हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए दही भल्लों की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही खाने में भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बनाने में इजी होते हैं और मानसून में बहुत अच्छी रेसिपी है। गर्मियों में अगर आपका कुछ नया कुछ अलग सा खाने का मन करता है तो आप दही भल्लों की इसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ क्या करना होता है, रात को दाल सोक करनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दही भल्लों की रेसिपी, इन्हें कैसे बनाया जाता है। ये देखिए, दही भल्ले बनाने के लिए मैंने ये वाली 1 कटोरी ये बाउल है हमारा, ये मैंने इसमें 1/2 कटोरी धुली मूंग की दाल और 1/4 बाउल मैंने उड़द की धुली हुई मूंग की दाल ले रखी है जिसको मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था। दही भल्ले बनाने के लिए हमें कम से कम 6 to 8 hours हमें सोक करना होता है, अदरवाइज अगर हम ओवरनाइट सोक कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये सोक करने के बाद देखिए कितनी अच्छी इस तरीके से फूल गई है। अब मैं इसको ग्राइंडर में डालकर इसको ग्राइंड कर लूंगी। ये ऐसे ही प्लेन ग्राइंड होगी, इसमें अगर आप अदरक या ग्रीन चिली डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसमें ऐसा कोई नीड नहीं है। ये देखिए मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ इसी तरीके से सारी दाल। ये देखिए ये मेरी दाल पिस के रेडी हो गई है। अब मैं इसको अच्छे से फेंट लूंगी, उसके बाद मैं इसमें सॉल्ट, जीरा और हींग डालूंगी। दही भल्ले के लिए सबसे जरूरी है कि हमें दाल को अच्छे से फेंटना है, तो इसको कम से कम इस तरीके से मैं 2-3 मिनट तक ऐसे फेटती रहूंगी। एक ही डायरेक्शन में हमें फेटना है ताकि इसमें हमारी हवा इकट्ठी हो जाए और दही बल्ले, जितना आप इसको दाल को फेटोगे दही बल्ले हमारे उतने ही ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए ये कितना अच्छे से फेट के हमें फूल गई है, इसको हम थोड़ा सा और फेटेंगे। हमारी दाल अच्छे से फिटी है कि नहीं फिटी, इसको हम थोड़ा सा टेस्ट भी कर सकते हैं कि मैंने पानी में बोल ले रखा है पानी के लिए। मैं इसमें अपनी ये दाल डाल दूंगी। ये देखिए अगर ये ऊपर तैर के ऊपर आ जाता है तो दैट मींस कि हमारी दाल अच्छे से फिट गई है, अगर ये नीचे बैठ जाता तो इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा दाल को और फेंटना है। इसको मैं सॉफ्ट बनाने के लिए 1-2 मिनट के लिए और थोड़ा सा फेंट लेती हूँ। अब इसमें हम मसाला डाल देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैं हींग डाल रही हूँ, सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल लीजिए, फिर हमारा दही में भी रहेगा। और ये क्यूमिन सीड्स डालना चाहें तो थोड़ा सा आप ये रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। दैट्स इट, इसको हम वापस अगेन मिक्स कर लेंगे। ये दही भल्ले को सॉफ्ट बनाने की एक ये टिप है कि आप इसको पानी में डाल के जरूर इसको ट्राई करें, अगर ये ऊपर तैरने लग गया हो तो आपकी दाल अच्छे से फिट चुकी है। तो चलिए अब हमारी भी दाल ये अच्छे से फिट गई है, इसमें कलर भी आ गया है। अब हम इसको दही भल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं फ्राई करना। ये देखिए मैंने गैस पर अपना पैन रख के ऑयल रख दिया है, ये थोड़ा हीट हो जाएगा। दही भल्ले के लिए हम थोड़ा सा अच्छा सा हीट कर लेंगे इसको, फिर बाद में थोड़ा कम कर देंगे गैस। हीट होने के बाद मैं इसमें अपने दही बड़े डालूंगी। ये देखिए पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पून को पानी में गीला कर रही हूँ, उसके बाद मैं बड़ा ले रही हूँ और फिर आप इसको गोल भी बना सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा स्पून से ट्राई कर रही हूँ, नहीं तो आप हाथ से भी इसको इजीली बना सकते हैं। ये देखिए ये लिया मैंने स्पून को और फिर ये मैंने इस तरह ऐसे डाल दिया। थोड़ा सा टर्न करके डालोगे तो इसको, ये अगर आप बड़ी स्पून से डालोगे तो ये गुंजिया की शेप भी आ जाती है इससे। ये देखिए मैंने डाल दिया है, ये कितने अच्छे से फूल भी गए हैं। अब जो कुछ कुछ रेड हो गए हैं मैं उसको टर्न भी कर देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा फेंटने से बस यही होता है कि देखो हमारा अच्छे से ये सिक भी गया है और फूल भी गए हैं ऑयल में डालने से। ये देखिए ये कितने अच्छे से सिक गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ टिश्यू पेपर पे थोड़ी देर रखने के बाद मैं इसको ठंडे पानी में डाल दूंगी। ये निकाल दिया है मैं इसको, आपको अभी गर्म है फिर फोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट है ये। मैं इसी तरीके से बाकी के अपने दही भल्ले भी बना लेती हूँ।
ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसको ठंडे पानी में डाल दूंगी। ये देखिए मैंने ठंडे पानी से ये बोल भर लिया है। मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देती हूँ ताकि मेरा सॉल्टी वाटर हो जाएगा, और थोड़ा सा हींग दही बल्ले में, और भी हींग और सॉल्ट का टेस्ट आ जाएगा। अब ये ठंडे हो गए हैं तो मैं इसको पानी में डाल देती हूँ। पानी में डालने से ये और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैं इसमें पानी में डाल दूंगी और फिर मैं इसका पानी एक बार और चेंज करूंगी आधे घंटे के बाद। तब तक मेरे और बाकी के दही बड़े भी रेडी हो जाते हैं। ये देखिए ये मेरे दही बल्ले इस पानी में रेडी हो गए हैं। मैं इसका पानी चेंज कर देती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा वार्म वाटर रख रखा है। मैं इसमें इस वाले पानी में थोड़ा सा शुगर डालती हूँ, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ताकि हमारे दही बड़े के अंदर और भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी ये इमली की चटनी। ये देखिए तो हमारा क्या पानी भी एकदम खट्टा मीठा रेडी हो गया है। अब मैं इसमें ये सारे दही बड़े इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए हमारे दही बड़े कितने सॉफ्ट हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने इजीली टूट रहा है, कोई गांठ नहीं है इसके अंदर। पानी चेंज करने से क्या होगा कि इसमें जो एक्सेस हमारा ऑयल है वो हमारा टूट मतलब निकल जाएगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ना इसमें कोई गांठ है ना कुछ है। ये देखिए कितना क्या कहते हैं, अंदर से एकदम जाली इसमें दिखाई दे रही है। तो जो भी हमारा पानी के अंदर ऑयल था पहले वाले में वो सारा इस पानी में रह गया, इसलिए हमें इसको दो पानी में चेंज कर लेना चाहिए। अब मैं इसमें रखने के बाद इसको 10 मिनट के बाद इसको मैं दही में भिगो दूंगी तो ये और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और पानी भी हमारा खट्टा मीठा हो गया है तो पानी के अंदर जो भी टेस्ट था वो सारा हमारा दही बड़े के अंदर आ जाएगा। ये देखिए हमारे बड़े रेडी हो चुके हैं एकदम पानी के अंदर, ये सॉफ्ट हो गए हैं। ये मेरे पास ये मीठी चटनी है, इसमें डालने के लिए ग्रीन मिंट और पुदीने कोरिएंडर्स की चटनी है। ये मेरा मीठा दही है जिसको मैंने थोड़ा सा शुगर डाल के इसको फेट के ऐसे रख दिया तो ये काफी देखो कितना अच्छे से थिक हो गया है। ये मेरा पास इसमें डालने का एक गर्म मसाला है जो दही बड़ी के लिए मैंने क्या करा था, अजवाइन और जीरा को थोड़ा तवे पर सेक लिया था। उसके उसको सेकने के बाद इसको बेलन से ऐसे मैश कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें काला नमक, रेड चिली पाउडर और ये सब डाल के ये मेरा मसाला रेडी हो गया है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं दही बड़ा लगाना प्लेट में। ये मैंने एक दही बड़ा लिया है, ये दो, इस तरीके से मैंने ये प्लेट में दही बड़ा लगा लिया है। अब मैं ये दही डाल देती हूँ। दही बड़े में दही हमारा थोड़ा पतला नहीं होता है, ऐसे थिक ही रहता है। वो थिक रहेगा तभी दही बड़ों को अच्छे से अंदर से सोक कर लेगा और थोड़ा सा स्वीट भी होता है, इससे हमारा दही खट्टा भी नहीं होगा अगर हम इसमें शुगर डाल के रख देंगे तो। देन हमारी ये तीखी हरी चटनी जो कि पुदीना और धनिया पत्ते से बनी है। उसके बाद हमारी ये खट्टी मीठी इमली की चटनी, इसमें ये चटनी भी मैंने खजूर गुड़ इससे बनाई है तो इसमें मैंने शुगर नहीं डाला है। इसमें हमारी नेचुरल स्वीटनेस है गुड़ की और डेट्स की, तो ये भी काफी टेस्टी होती है। ये डाल दिया है, देखिए इसको डालते ही कितना अच्छा कलरफुल आ गया है। उसके बाद ये हमारा चटपटा मसाला, ये चटपटा मसाला आप किसी में भी इसको किसी भी चाट के अंदर डाल सकते हैं। तो इसको आप बना के भी एक एयर टाइट बॉटल के अंदर फिल करके रखेंगे तो भी काफी अच्छा इसका ये कई दिनों तक खराब नहीं होता है। उसके बाद ये मेरे पास कुछ बूंदी है जो हम रायते में यूज करते हैं, इसको भी मैंने सोक करके रख लिया था तो ये भी हम ऊपर से डाल देते हैं, इसका भी काफी अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। उसके बाद हमारा ये कोरिएंडर लीव्स, सम कैशूज, ये देखिए, और अगर आपके पास बारीक सेब हो तो वो डाल दीजिए। मैं यहाँ पर एक भुजिया डाल रही हूँ, इससे भी काफी अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ी सी ऊपर से रेड चिली पाउडर
जो दिखने में भी काफी अच्छी होती है। अगर आपको और तीखा खाना है तो आप वो डाल सकते हैं। ये मैं देगी वाली डाल रही हूँ, इससे ये सिर्फ कलर आएगा, ये तीखापन कम करता है। और थोड़ा सा चाट मसाला, जो कि हर चाट की जान होती है, चाट मसाला से चाट में एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। और एट लास्ट हमारा ये पुदीना पत्ता। तो देखिए हमारी ये दही बड़े वाली चाट, दही बल्ले वाली चाट रेडी हो गई है। कितनी यम्मी लग रही है, कितनी डिलीशियस लग रही है। बस हमें क्या करना है, एक रात पहले दाल को सोख करके रखना है और कुछ नहीं करना है। इतनी इजी चाट है ये, जब भी बन जाती है। और हमारा गर्मियों के सीजन में अगर हमें कभी खाना बनाने का मन नहीं करता तो हम इसको बना के इजीली खा सकते हैं। कोई इसमें मेहनत भी नहीं है ज्यादा। आई होप मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।